नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। यूएई में खेले जा रहे आईपीएल 2020 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने अपने उपकप्तान पार्थिव पटेल को ड्रॉप किया था और पहले ही मैच में बतौर सलामी बल्लेबाज देवदत्त पड्डीकल को जगह दी थी। पड्डीकल ने भी आरसीबी के मैनेजमेंट और कप्तान विराट कोहली को निराश नहीं किया। पड्डीकल ने अपने पहले ही मैच में अर्धशतकीय पारी खेली थी। इसके बाद उन्होंने कई और दमदार पारियां खेली, यहां तक कि आखिरी लीग मैच में आरसीबी के लिए एक बार फिर उन्होंने अर्धशतक जड़ा और एक नया इतिहास रच दिया। दरअसल देवदत्त पड्डीकल आईपीएल के इतिहास में एक सीजन में सबसे ज्यादा बार अर्धशतकीय पारी खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए, जो अनकैप्ड खिलाड़ी हैं। पड्डीकल ने इस टूर्नामेंट में पांचवा अर्धशतक जड़ा और इसी के साथ उन्होंने शिखर धवन और श्रेयस अय्यर को पीछे छोड़ दिया। साल 2008 में दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए शिखर धवन ने 4 अर्धशतकीय पारी खेली थी। उस समय शिखर ने भारत के लिए डेब्यू नहीं किया था। वहीं साल 2015 में श्रेयस अय्यर ने दिल्ली की ही टीम के लिए 4 अर्धशतक जड़े थे और अब देवदत्त पड्डीकल ने 5 अर्धशतक ठोक कर उनके रिकॉर्ड को धराशायी कर दिया है। इन तीनों ही बल्लेबाजों ने 4 या इससे ज्यादा अर्धशतक आईपीएल में उस समय लगाए हैं जब उनको भारतीय टीम के लिए खेलने का मौका नहीं मिला है। पड्डीकल ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ इस मैच में 40 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन 41वीं गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वो क्लीन बोल्ड हो गया। गौरतलब है कि घरेलू क्रिकेट में दमदार प्रदर्शन के दम पर आरसीबी ने उनको आईपीएल 2020 के लिए खरीदा था। देवदत्त पड्डीकल टीम के सभी उम्मीदों पर खरे उतरे। पड्डीकल ने आईपीएल के 13वें सीजन में लीग फेज तक आरसीबी के लिए 14 मैच खेले और इन मैचों में 472 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 5 अर्धशतक जड़े। 33 से ज्यादा की औसत से उन्होंने इस टूर्नामेंट में रन बनाए, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 126 का रहा। 51 चौके भी इस टूर्नामेंट में वो अब तक जड़ चुके हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।